तो आज की क्लास में हमें बेंडिंग मोमेंट पढ़ना है। बेंडिंग मोमेंट में सबसे पहले जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट होता क्या है और बेंडिंग मोमेंट की फिजिकल इम्प्लीकेशन क्या है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले ली हमने, जिसमें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, यहाँ पे लोड डब्ल्यू है। तो रिएक्शन आ जाएंगे आराम से डब्ल्यू बाई टू, क्योंकि बीम को सेंटर में लोड लग रहा था। अब एक काम करते हैं, अब एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं और इस पोर्शन को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। अब देखिए, हमारे पास ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके देखा है, एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसका लेफ्ट फेस और राइट फेस में मोमेंट कितना आएगा वो निकालना है हमको। इसको मान लो पी क्यू आर और एस, एक इसका फेस है पी एस और एक इसका फेस है क्यू आर। तो इस क्यू आर फेस पे कितना मोमेंट आएगा इसके राइट वाले फेस पे, जो इसका राइट वाला फेस है उस पर सिर्फ एक यही वाली फोर्स है जो मोमेंट दे सकती है। तो ये वाला फोर्स कितना मोमेंट देगी, कुछ मोमेंट देगी, है ना। अगर कोई डिस्टेंस एक्स होगा तो हम लोड इनटू डिस्टेंस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इस टाइप से मोमेंट आ गया, उसको हम एम एक्स लिख लेते हैं। उसकी वैल्यू नहीं निकालनी, वैल्यू हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, लेकिन अभी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो इस टाइप से हमारे पास एक मोमेंट आ गया। अब इसका जो राइट फेस है, सॉरी, अब इसका जो लेफ्ट फेस है, यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। अब इनकी वजह से भी कुछ ना कुछ आएगा मोमेंट, है ना। तो इनकी वजह से जब मोमेंट आएगा तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, एम एक्स, जो कि क्या करेगा, इस पूरे के पूरे जो एलिमेंट है इसको देखिए, ये मोमेंट कैसा है, क्या है ये मोमेंट, एक जगह क्लॉकवाइज सर बेंड कर देगा सर। हाँ, इसको बेंड करने की कोशिश करेगा। अब एक बार इसी चीज को हम इसमें देख लेते हैं, एनिमेशन में देखिए, यहाँ पे मोमेंट आएगा एम एक्स, वहां पे दूसरा मोमेंट आएगा एम एक्स, ये दोनों मिलके इसको बेंड कर देंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से डॉटेड शेप बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बेंडिंग मोमेंट मिल गया, तो इसी मोमेंट को हम बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, जो कि हमारी बीम को बेंड करने की कोशिश करता है, ठीक है। और ये बेंडिंग कैसी है, कनकेविटी अपवर्ड, मतलब ऊपर से कनकेव है ना, तो इसलिए इस बेंडिंग मोमेंट को हम कनकेविटी अपवर्ड कहते हैं। ऐसे बेंडिंग मोमेंट को हम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट लेते हैं। इसमें सर लेफ्ट वाला क्लॉकवाइज है, राइट वाला एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से हमें दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन थी उसने एंटी क्लॉकवाइज दिया और यहाँ पे ये दोनों मिलके क्लॉकवाइज देंगे, ठीक। हमें कैसा मोमेंट मिला, एक ऐसा बेंडिंग मोमेंट मिला जो इस पूरी बीम को कनकेविटी अपवर्ड, मतलब सैगिंग मोमेंट है, इस शेप को हम सैगिंग शेप बोलते हैं और इस शेप को हम हॉगिंग शेप बोलते हैं। और सैगिंग वाला बेंडिंग मोमेंट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और हॉगिंग वाला बेंडिंग मोमेंट हमेशा नेगेटिव लेते हैं, याद रखेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट बनता है किसी भी बीम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताई दी है। अगर कनकेविटी अपवर्ड है, मतलब सैगिंग मोमेंट है, तो उसको पॉजिटिव लेना है, और कन्वेक्सिटी अपवर्ड है, मतलब इस टाइप से है, तो उसको नेगेटिव लेना है, उसको हॉगिंग भी बोलते हैं। और इसमें भी हम लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे, ठीक है, वही वाला जो प्रोसीजर है फॉलो करेंगे जो हमने शियर फोर्स के लिए किया था। बेंडिंग मोमेंट के भी कुछ रूल्स हैं, जैसे हमने शियर फोर्स के रूल पढ़े थे कि शियर फोर्स कहाँ पे दो बार कैलकुलेट होता है, जहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा होता है, वैसे ही बेंडिंग मोमेंट भी दो बार कैलकुलेट होता है अगर ऑलरेडी एक मोमेंट लग रहा हो तो, ठीक है। ऐसे केस हम करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, बट दो बार तभी कैलकुलेट होगा जब ऑलरेडी एक मोमेंट लग रहा होगा, अदरवाइज एक ही बार कैलकुलेट होगा, ये याद रखना। ये सारी चीजें याद हो जाएंगी अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बाय हार्ट हो जाएंगी ये चीजें आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक सेंट्रल लोड लग रहा है डब्ल्यू, और इस केस में हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ पे एबीसी पॉइंट मान लेते हैं, रिएक्शन सोचना ही नहीं है, डब्ल्यू बाई टू हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल सेंटर में लोड लग रहा है। यहाँ पे लेंथ एल बाई टू है, ये लेंथ एल बाई टू है। डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करते हैं, बेंडिंग मोमेंट ए पे भी एक ही बार निकलेगा, बी पे भी एक ही बार निकलेगा और सी पे भी एक ही बार निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मोमेंट लग ही नहीं रहा है, इसलिए तीनों पे एक ही बार निकलेगा, दो बार नहीं निकलेगा। तो डायरेक्टली निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट, सेम टू सेम स्टेप्स हैं,
देखिए ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ए के लेफ्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है, उसकी वजह से ए पॉइंट पे कितना मोमेंट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, जीरो ही आएगा, तो इसलिए ए का हो गया जीरो सिंपली। बी पॉइंट पे निकालना है, बी पॉइंट के लेफ्ट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ये वाला लोड है, तो इस लोड की वजह से बी पॉइंट पे कितना मोमेंट आएगा, लोड इनटू डिस्टेंस, लोड इनटू डिस्टेंस कर दो डब्ल्यू बाय फोर मल्टीप्लाई बाय एल बाय टू, राइट, तो कितना आ जाएगा डब्ल्यू एल बाय फोर, ठीक है ओके। अब ये देखिए, अब ये जो फोर्स है ये क्या करने की कोशिश कर रही है, इसको सैग करने, इस बीम को सैग करने की कोशिश कर रही है ना, मतलब नीचे लेके आने की, दबाने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। तो आप कह सकते हो जो क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट सी पे निकालना है, एक्चुअली जीरो ही आएगा लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं, कितना आएगा, सबसे पहले इस ए वाली रिएक्शन की वजह से, उसके बाद डब्ल्यू की वजह से, बताइए इस ए वाली रिएक्शन की वजह से कितना मोमेंट आएगा, लोड इनटू डिस्टेंस, डब्ल्यू बाय टू लोड हो गया, डब्ल्यू बाय टू सर, डब्ल्यू एल बाय, और डिस्टेंस टोटल एल है क्योंकि सी के अबाउट ले रहे हैं मोमेंटम हम, एल डिस्टेंस है, और माइनस क्योंकि ये वाला एंटी क्लॉकवाइज देने वाला है, डब्ल्यू इंटू टोटल लोड इंटू डिस्टेंस इसका एल बाय टू है, एल बाय टू कट जाएगा, डब्ल्यू एल बाय टू, डब्ल्यू एल बाय टू, आंसर आ जाएगा जीरो। चलिए अब बेंडिंग मोमेंट निकल चुका है, अब हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, तो फिर से तीन तीन वर्टिकल डायरेक्शंस में लाइंस खींच लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो जो कि ए बी सी दर्शा रही है, उसके बाद आपको बेंडिंग मोमेंट बनाना है, तो बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पे जीरो था, सी पॉइंट पे भी जीरो था, बस बी पॉइंट पर उसकी वैल्यू थी डब्ल्यू एल बाय फोर, है ना, और इनको जब हम मिलाएंगे तो इनको तुम स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, इनक्लाइन स्ट्रेट लाइंस, यहाँ पे वैल्यू डब्ल्यू एल बाय फोर है, और ये सारा का सारा आपका पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब ये जो बीम है सैगिंग होने की कोशिश करेगी, इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी बीम है वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, सैगिंग आएगी इसके अंदर, क्योंकि पॉजिटिव मतलब सैगिंग, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।